क्या अपडेट है, क्या डिसीजन है? हमारे आयुष मिनिस्टर श्री श्रीपाद जी नाइक लास्ट फॉर द 14 डेज से वो एडमिट है। दूसरी बार एम्स की टीम मणिपाल हॉस्पिटल में आई है, उन्होंने देखा और उन्होंने ये बता दिया कि उनको एम्स में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज सुबह से उनकी तबीयत और सुधर गई है, वो फिर से एक बार हाई इनफ्लो ऑक्सीजन पे हैं। उनके हिसाब से इट इज़ रिक्वायर्ड अनदर 3 to 4 डेज ही विल कम ऑन द नॉर्मल ऑक्सीजन, बट ही इज़ डूइंग वेरी वेल। उनकी तबीयत बहुत अच्छी है और उनकी तबीयत सुधर रही है और मुझे उम्मीद है कि उनकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। इन्हीं के साथ में वहाँ पे हमारे MLA चची लाल लेमा हैं, उनको भी हमारे जो एम्स की टीम आई थी उनको भी देखा, अपने MLA सुधीन ढवलीकर हैं उनको भी देखा और बाकी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स थे उनके बारे में भी चिंता की, उनके बारे में सजेशंस दिया, कोविड हॉस्पिटल को विज़िट किया और GMC को विज़िट किया और GMC को विज़िट देके उनके इनपुट्स, इन सभी पेशेंट्स के बारे में जो ट्रीटमेंट चल रही है उनके बारे में भी उन्होंने इनपुट्स अपने जो यहाँ की कोविड मैनेजमेंट टीम है उन लोगों को दिया। डेफिनेटली यानी उसका ज़रूर हेल्प हमें मिल जाएगा। आज MLA चची लाल लेमा इनकी भी तबीयत ठीक है, आज सुधीन ढवलीकर की तबीयत एकदम ठीक है, बाकी MLA रवि नाइक इज इन होम आइसोलेशन, मैंने कल ही उनकी इंक्वायरी की थी वो ठीक है। MLA नीलकंठ हरणकर ही इज ऑल्सो एट होम आइसोलेशन, उनकी तबीयत ठीक है।